तो लास्ट वीडियो में हमने कर लिया था कुल्लू में रिवर राफ्टिंग, तो इस वीडियो में हम चलेंगे अमृतसर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो गाइस, नए दिन के शुरुआत के साथ हम चल पड़े हैं अमृतसर की ओर। तो कल हम रिवर राफ्टिंग किए थे एंड सीधा उसी रिवर राफ्टिंग करते ही हम सीधा बस से निकल पड़े थे अमृतसर के लिए। तो अभी हो गया सुबह का 9 बजे, वी आर ऑन स्टिल ऑन द वे टू अमृतसर। करीब 2 घंटा और लगेगा पहुंचने के लिए। तो हम थोड़ा सा बोलते हैं ना ब्रेक ले चुका है, और ये है पंजाब की खेती। आप देख सकते हो कितना सुंदर, ठंडी भी है सुबह सुबह। वैसे आज है जनवरी 2 तारीख। नाइस, कुछ कहना चाहोगे मोहित जी? बस बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ठंडी से पहली बार ऐसे खेती देख रहे हैं हम। कि हम रहते हैं मुंबई साइड, अभी खेती देखी नहीं है, तो देख के मज़ा आ रहा है। अभी आगे भी एक्सप्लोर करेंगे। क्या हुआ? वो सुबह सुबह का कार्यक्रम चालू है वहाँ पे। क्या करे, चले वापस चले, लेट्स गो। और जी असली पहुंच गए पंजाब के खेतों में। अभी हम खाएंगे सी, पियेंगे सी, ओहो, और जाएंगे सी। ओहो हरियाणवी साहब पंजाबी बोलते हुए। मजा आ गया। एक नंबर चाय ना भाई, आज तो सिर्फ हम लोग ढाबे से चाय पी है, आज हम सच्ची में पंजाब में आके चाय पी रहे ढाबे में। क्या बोलता है मोहित, पंजाबी में बोल दे कुछ। अच्छा इम्प्रॉम्प्टू नहीं आता है, इतना बोलता क्या बोलने का बोलना, मैं ट्राई करता हूँ। ये हमारा दाबा, यही बैठ के चाय पी रहे। एक नंबर। भाई हम पहुंच गए अमृतसर एंड हम करेंगे 2 मिनट का सफर इस रिक्शे में। क्या बोलते हैं मोहित भाई? भाई एकदम नया एक्सपीरियंस है ऐसा ऑटो में बैठने का, पहली बार बैठ रहा हूँ। जाएंगे अपने होटल, आराम करेंगे, फ्रेश होके जाएंगे बागा बॉर्डर। या मैन, एक नंबर रिक्शा मिला हमें। ओ इधर है हमारा बंदा, अरे तो हम जाएंगे इस गाड़ी में। एक नंबर। ओ इसका न्यूटन एक नंबर।
लेट्स गो। गर्मी हो रही है यहाँ पे। आज हम पहुंच गए थे सुबह, लिटरली दोपहर हो गया था, अमृतसर पहुंच गए थे हम। तो हमारा प्लान कुछ ऐसा था कि हम वाघा बॉर्डर जाएंगे। तो वाघा बॉर्डर का कुछ टाइमिंग होता है, कुछ आई गेस इवनिंग का 4 या 5 तक ही होता है। तो हमें वहाँ पहुँचते 5:50 हो गया था, तो वहाँ पे हम देख नहीं पाए। तो बेसिकली हमने क्या किया, तो आजू बाजू में जो मार्केट लगी होती है, जो मार्केट अराउंड 7 या 8 बजे तक होती है मार्केट, तो हम वो मार्केट देख के वापस रिटर्न आ गए। अभी हम जाएंगे आज से गोल्डन टेम्पल एंड गोल्डन टेम्पल का व्यू देखेंगे, और वाघा बॉर्डर क्योंकि आज हम देख नहीं पाए तो कल दोपहर का करने का प्लान किया है। तो लेट्स सी कैसा क्या होता है। तो फिलहाल मैं इसका होटल और रूम टूर दिखाया तो नहीं, क्योंकि होटल अच्छा है, काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू द लास्ट होटल, काफ़ी अच्छा होटल है। रूम काफ़ी मेसी है इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ, बाकी होटल का तो व्यू आपको कल सुबह दिखा दूंगा मैं। तो ये हमारा मोहित भाई है, एज यूजुअल काम पे लगा हुआ है भाई, और ये रहा मैं, ऑल रेडी टू सेट गो टू गोल्डन टेम्पल। तो हम जैसे ही बस पार्क किए, बस से जैसे उतरे, हमने ये फ्लैग पेंट करवाए थे, तो इसका हमें लगा था अराउंड 70 रुपीज़ पर पर्सन। बट ताजुब की बात ये था कि वो बंदा जानता था कि अभी बॉर्डर क्लोज्ड है, बट ही स्टिल केम एंड पेंटेड दिस बिना पूछे या बिना कुछ बोले। तो या ठीक है, एनीवेज होते रहता है सब। तो हेलो गाइस, अभी हम आपको वो होटल दिखाएंगे जहाँ पे हम अभी अमृतसर पे रह रहे हैं, इसका नाम है होटल हाईलैंड इन। तो बेसिकली ये है, चलो आपको अंदर का टूर दिखा दूँ, चलो फटाफट। सोना क्या करने है ऊपर, हम देख सकते हो काफी अच्छे अच्छे पोर्ट्रेट्स एंड ऑल लगाया हुआ है, काफी स्पेशियस भी है। सी तो आपको हमारा फ्लोर दिखाता हूँ, हम तो है 3rd फ्लोर पे बेसिकली। सिर्फ 8 फ्लोर दिख रहा है आपको। तो है हमारा फ्लोर जहाँ पे हम है अभी। यो तो देख सकते हो, नाइस। तो मैं हूँ इस रूम पे 308 एंड सो दैट्स इट, लेट्स गो। तो 5th फ्लोर है बेसिकली। तो यहाँ पे ना पूल भी है एक्चुअली, पूल अभी एक्सेसिबल तो नहीं है, बट यहाँ पे बैठने के लिए बहुत अच्छा स्पेस है, यू कैन सी। एंड दिस इज द स्काई पूल जो कि फिलहाल खाली है। सो ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पे अभी जिम भी स्टार्ट हो रहा है, सो दिस प्लेस इज रियली ऑसम। सी इनको कितना बड़ा रूम मिला है, ओ इस पार से उस पार, और एक हमारा है जो इसका आधा भी नहीं है सीरियसली। तो वो ये रहा इस होटल का बैंकेट बेसिकली। ये तो स्मॉल पार्ट है, बाहर और भी है, तो आपको दिखा देता हूँ। बोले इस पार से उस पार तक है। काफी बड़ा बैंकेट है वो इसके लिए एक्चुअली ना बाहर से भी एंट्री है, अंदर से भी एंट्री है। तो आप चाहो तो डायरेक्ट बाहर से भी आ सकते हो और अंदर से भी आ सकते हो। काफी अच्छा होटल है काफी।